जय हिंद आप सभी को। आज का वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आप लोग गड़बड़ी कर दें। काहे कि पता नहीं सीआरपीएफ क्या क्या चेंजिंग कर रही है, कभी कोई और डेट बताता है, कभी कोई और डेट बताता है। तो ये वीडियो उनके लिए है और एक अलर्ट भी हम जारी कर रहे हैं इसके लिए कि अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक सेंटर का पता नहीं है या फिजिकल डेट के बारे में सिर्फ पता चला है तो आप लोग कमेंट एक बार कीजिएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट तो एडमिट कार्ड भी निकाल लिए, और ऐसा सिस्टम हुआ है कि जो शुरू में एडमिट कार्ड निकाले उसको फिर बाद में एडमिट कार्ड नहीं निकलने लगा। मतलब बहुत प्रक्रिया चेंज बदल बहुत हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको अपने सेंटर के बारे में पता है या सिर्फ आपको भी सिर्फ डेट मिला है, इतना तारीख को है यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ डेट जिसको इसको मिला है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, उनको बहुत जल्दी सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, चेंजिंग हो रहा है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोग अगर फिजिकल मेडिकल देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको पता चल गया तो आप छोड़ देंगे। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद भी एडमिट कार्ड में चेंजिंग होता है, समझे। ऐसा बहुत सारा भर्ती प्रक्रिया में देखा गया है। तो आप लोग जब भी जाएंगे एडमिट कार्ड फिर से निकालिएगा। अभी आपके स्क्रीन पर दो फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, एक नंबर और दो नंबर। अब आप समझिएगा एक नंबर दो नंबर में क्या अंतर है। एक ही कैंडिडेट का है और फीमेल कैंडिडेट है, इनके साथ यही कंडीशन था कि इनको भी सेंटर के बारे में पता नहीं है, सिर्फ डेट के बारे में पता है। इनका डेट है 29/10/2024 को, ठीक है। आपको पता है कि इसमें सब कुछ दिया जाता है, फॉर्म नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जनरल, और जो भी डेट इनको मिला है, डेट और रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे सुबह। इसमें कहीं भी सेंटर का नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए नीचे में, इस साइड में देखिए नीचे में जो लिखा हुआ है, डियर, जो भी कैंडिडेट का नाम है हम सब कुछ छुपा दिए हैं, काहे कि आप लोग बहुत महान हैं इसीलिए, ठीक है। उसमें लिखा है योर PhD PAT विल बी हेल्ड ऑन 29/10/2024, समझे। मतलब 29 अक्टूबर को इनका जो है PAT PhD होगा, और ये अपना डाउनलोड कब कर सकते हैं एडमिट कार्ड, 25/10 को। सोचिएगा 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन मिल रहा है इनको। समझिएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो जिनको पता ही नहीं कि मेरा सेंटर कहाँ है, पहले इसको तैयारी ही नहीं कर पाएगा कि हमको जाना कहाँ है। सिर्फ उनको डेट पता है, सेंटर तो कहीं भी दे सकता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहाँ भगा देगा किसी को पता है, ठीक है। आप सोच के देखिए कि 25 तारीख को एडमिट कार्ड इनका निकलेगा और 29 तारीख को इनको रिपोर्टिंग करने जाना है, ये कैसे संभव है, नहीं है। तो ये जो कैंडिडेट है वो डर गई बेचारी, बहुत दिन तक ऐसा इनका हम चेक करते रहे ऐसा ही आया। लेकिन आज जब अभी फिर से हम चेक किए तो दिखाते हैं, देखिए वही सब कुछ देखिएगा, दोनों मिला लीजिए, सब कुछ सेम सेम है, वही कैंडिडेट का है। और दोनों में देखिए, अभी देखिए इसमें चेंजिंग क्या मिला देखने के लिए, यहाँ पर आप लोग पढ़िए कि 29/10 को इनका है ही, ठीक है, 29 तारीख को इनका है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपका जो है कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं वो 9 अक्टूबर को ही आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अब पहले कितना बताया गया देखिए, यहाँ पे पहले बताया गया 25 तारीख 25 अक्टूबर को आप निकाल सकते हैं और 29 अक्टूबर को आपका दौड़ धूप मेडिकल सब होगा। और अब यहाँ पे सही करके बताया है, आप लोग देखिए कि आपका दौड़ धूप मेडिकल जो है 29 तारीख को होगा, लेकिन अब आप 9 तारीख को निकाल सकते हैं, मतलब 20 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब चेंजिंग हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक लग रहा था कि इस तरह का किसी को डर है ना कि 4 दिन पहले कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो ये वीडियो हम इसीलिए बनाए। बहुत लोग को फालतू लगा हुआ है, फालतू लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, थोड़ा सा एक अलर्ट वाला चीज़ है। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा कि क्या कुछ चेंजिंग हुआ है क्या, और एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको सिर्फ डेट ही पता है, सेंटर का नाम ही पता है, तो उसके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। और सबको जो भी देने के लिए जा रहा है मेडिकल फिजिकल, सबको हम ये बोल रहे हैं बार बार कि पहले से अगर बहुत कैंडिडेट क्या है अभी से पहले से एकदम निश्चिंत हो जाता है देख के, हाँ मेरा इतना तारीख को है, मेरा ये है वो है, फिर नहीं देखता है, फिर जब एडमिट कार्ड निकलवाना जाता है पता चलता है उसका चेंज हो गया। इसीलिए आप लोग देखते रहें, और जिसका शुरुआत में है फिजिकल मेडिकल वो तो नेसेसरी है उनको देखना, ठीक है। कुछ नहीं, अपना रोल नंबर भी नहीं डालना पड़ता आप लोग को, अपना नाम वाम डाल करके भी चेक कर सकते हैं, और देख लीजिएगा कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं, बस यही बताने के लिए वीडियो बनाए थे। बाकी मेडिकल के लिए
तीन टो वीडियो आ गया है अपने प्लेलिस्ट में, चेक कर लीजिएगा। और एक टो वीडियो डालेंगे कि मेडिकल में कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा जो कि ज्वाइनिंग के टाइम में दिक्कत ना हो, डिपेंडेंट सब बनवाने के लिए, सर्टिफिकेट सब बनवाने के लिए माता पिता का, कैसे कैसे क्या डालना है, और रीमेडिकल का पूरा प्रोसेस चौथा नंबर वीडियो में बताएंगे जो कि फाइनल वीडियो होगा मेडिकल से संबंधित। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए और डिस्कशन करेंगे हम लोग रात में टेलीग्राम पर।